वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा एंड वेलकम टू मेडिकल एकेडमी वाला। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक जो ऑर्थोपेडिक का है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और एक ऐसा क्लिनिकल टॉपिक जिसके मरीज जो है हम लोग को बहुत ज्यादा मिलते हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें ज्वाइंट पेन जो है हो रहा है, लंबे समय से ज्वाइंट में सूजन हो जाता है, चलते वक्त जो है ज्वाइंट में दर्द होता रहता है, सुबह के समय जो है ज्वाइंट जो है स्टिफ हो जाता है। तो क्या है आखिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसा डिजीज है? ऑटो इम्यून। अब ऑटो इम्यून कहने का क्या मतलब होता है? ऑटो इम्यून कहने का मतलब कि वैसा डिजीज जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी में क्या है? इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम में जो है कि बहुत सारे जो है इम्यून सिस्टम है, और इस इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है हमारी इम्यूनिटी जो है, और यही इम्यून सिस्टम क्या करता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता रहता है। किस चीज से? बहुत सारे माइक्रोब से, माइक्रोबियल एजेंट से, पैथोजेन से, डिजीज से, जिसके वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं। लेकिन किसी कारण से यही जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है हमारे ही बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, हमारे बॉडी के सेल्स पर जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यू हैं, जो भी सेल्स हैं, उन सेल के ऊपर क्या करता है, उन्हीं सेल को किल करने लगता है, उन्हीं सेल को मारने लगता है। इस तरह के डिजीज को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तरह के डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। समझ गए? अब ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो ज्वाइंट का किसका है? बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, और अर्थराइटिस कहने का मतलब ही, अर्थराइटिस का मतलब ही होता है कि इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट, इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट। अब कहां हो रहा है? तो इन्फ्लामेशन ज्वाइंट में हो रहा है, यानी कि ऑटो इम्यून तो है लेकिन उसके साथ इन्फ्लामेशन होगा ज्वाइंट में विद अननोन कॉज, जिसका कारण अभी पता नहीं है। और इस डिजीज को हम लोग पहचानते कैसे हैं? सो इट कॉज, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। कहां पे? सिमेट्रिकल पोली अर्थराइटिस, यानी कि पोली अर्थराइटिस करने का मतलब कि एक से ज्यादा ज्वाइंट पर अटैक करेगा, और अगर एक हिप ज्वाइंट पर अटैक किया है तो दूसरे भी हिप ज्वाइंट पे ये अटैक करेगा, एक शोल्डर ज्वाइंट पर अटैक किया है तो दूसरे शोल्डर ज्वाइंट पर अटैक करता है। इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल पोली अर्थराइटिस। पोली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। पोली का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा जगह जब अटैक करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोली कहते हैं। इनिशियली स्टार्ट में, शुरू कहां से होता है, शुरू जो है ये डिजीज जो है बेसिकली शुरू कहां से होता है? इनिशियली स्टार्ट विथ पेरिफेरल स्मॉल ज्वाइंट, जितने भी छोटे छोटे ज्वाइंट हैं वहां से ये डिजीज शुरू होता है। इन एंड प्रेजेंस ऑफ आर एफ फैक्टर एंड सीसीपी एंटीबॉडी इन ब्लड, और जिस समय इसके अटैक होंगे, जिस समय इसके ज्वाइंट में कंप्लेन आएंगे, उस समय अगर आप इसके ब्लड ब्लड सैंपल को लेकर चेक किया जाए तो उस समय आपको आरए फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर जो है आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिक फैक्टर जो है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, और कई बार एंटी सीसीपी एंटीबॉडी भी जो है आपको इंक्रीज मिलता, ठीक है। अब आप समझ गए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और जिसके जिसमें क्या होता है, ज्वाइंट पर अटैक करता है, जिसमें कि सिमेट्रिकल पोली आर्थराइटिस डेवलप करता है ये, और उसी वक्त आपको प्रेजेंस मिलेगा किसके, आर एफ फैक्टर का, और ये डिजीज जो है शुरू होता है खास करके इनिशियली स्टार्ट जो है वो स्मॉल ज्वाइंट से शुरू होता, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रेवलेंस की बात करते हैं। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो है ये डिजीज जो है 1% जो है लोगों में अटैक करता है, खास करके ये महिलाओं में ज्यादा होता है, महिलाओं में जो है ये ज्यादा होता है। अगर इसके टोटल अगर 100 केसेस मिलते हैं तो 60-70% केसेस जो है, 60-70% केसेस जो है वो फीमेल के मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि आप देख सकते हो ये जो इमेज है, इस इमेज में कैसे ये एक
जो है कि पोली अर्थराइटिस डेवलप कर रहा है। पोली का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल ज्वाइंट पे अटैक कर रहा है, कहां पे, फिंगर। इसलिए मैंने कहा कि ये पोली अर्थराइटिस सिमेट्रिकल पोली अर्थराइटिस जो है डेवलप कर रहा है। कैसे, इस ज्वाइंट में सूजन हो जा रहा है, पूरी तरह से इंफ्लेमेशन डेवलप कर रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है, हीट हो रहा है, मतलब हीट है तो पेन है, टेंडरनेस है, ये सारी चीजें जो है फंक्शनलेस है, जो ये सिम्टम जो है इसमें आते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके कि ये देखिए कैसे जो है इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये थिक हो जाएगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन पूरी तरह से क्या हो रहा है, थिक होते जा रहा है। नॉर्मल साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं रहकर ये इसका साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है थिक होता जाता है, और साथ में क्या है, जो कार्टिलेज है वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, ये जो पूरा कार्टिलेज है वो डिग्रेड होते चले जाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कैसे ज्वाइंट में जो है ये पूरा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो थिक होते जा रहा है। ठीक है, हम लोग कॉज के ऊपर बात करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कॉज क्या होते हैं। तो जैसा कि आप शुरू में ही देखे डेफिनेशन में कि हमने लिखा था ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि ये ऑटो इम्यून इसके कारण है, यानी कि इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी जो है इसका कारण है डिजीज का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के ऊपर, यानी कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहने का मतलब कि उस फैक्टर के होने के वजह से आपको चांसेस जो है डिजीज के होने के बढ़ जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में, आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हेरिडिटरी फैक्टर पहला। तो हेरिडिटरी में क्या कहता है कि वैसे पर्सन या वैसे पेशेंट जिनके फैमिली में मदर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यानी किसी को भी अगर है फैमिली हिस्ट्री में तो चांसेस हैं कि उसे भी होगा। और जितने भी केसेस मिलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के उसके 5 से 10% जितने भी केसेस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में से टोटल केस में से 5 से 10% केसेस में जो है उनमें हेरिडिटरी फैक्टर जो है आपको देखने को मिलता। ठीक है, दूसरा बात कहता है इंफेक्शन। तो अगर बॉडी में कहीं भी इंफेक्शन हो रही है, खास करके माउथ में, टॉन्सिल में, गम्स में और एनी बॉडी कहीं पर भी बॉडी में हो रही है तो भी जो चांसेस हैं ऑटो इम्यून डिजीज के होने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा जो कॉज आता है वो है ट्रॉमा। अगर हिस्ट्री है ट्रॉमा, अगर पेशेंट को रिपीटेड ट्रॉमा हुआ था ज्वाइंट पे या कहीं पे, तो ये जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, रिपीटेड या हिस्ट्री मिल जाए अगर आप ट्रॉमा के हिस्ट्री मिलता है। तो अगला बात हम लोग करते हैं क्लाइमेट की। अब कुछ जो है टेम्परेट क्लाइमेट की बात करते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है कि जो है इसके चांसेस जो है खास करके बढ़ जाते हैं, और इंडिया में इसके केसेस इसीलिए देखने को ज्यादा मिलते हैं। अगला है रेस में नेगोरियस जो रेस है उसमें ये डिजीज नहीं देखने को मिलता। नेगोरियस जो है उसमें ये डिजीज नहीं देखने को मिलता है, बाकी अदर रेसेस में जो है इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन नेगोरियस में जो है ये डिजीज नहीं देखने को मिलता। अगला जो कॉज है वो है न्यूट्रिशन का। अगला कॉज न्यूट्रिशनल फैक्टर, अगर किसी चीज की डिफिशियंसी बॉडी में हो रही है, खास करके विटामिन की, मिनरल की, तो उस केसेस में जो है कि होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है साइकोजेनिक फैक्टर, यानी कि 3, 4, 5वां फैक्टर था, 6ठा फैक्टर था, 7वां फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। साइकोजेनिक फैक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। साइकोजेनिक फैक्टर कहने का मतलब कि वैसे फैक्टर जो मेंटली आते हैं, माइंड के होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहने की वजह से, डिप्रेशन में रहने की वजह से, एंग्विश है या सिजोफ्रेनिया है, यानी बहुत ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के केसेस की वजह से भी क्या होता है, ओवर वर्क की वजह से, ओवर एग्जर्शन की वजह से, तो इस वजह से भी क्या होता है कि आपको चांसेस है कि ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। अगला जो कॉज आता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आता है वो है एंडोक्राइन फैक्टर। तो बहुत सारे हार्मोन भी जो है इसमें बहुत रोल जो है प्ले करते हैं इस डिजीज को होने में। ठीक है, पैथोजिनेसिस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पैथोजिनेसिस का मतलब आप लोग जानते होंगे कि पैथोजिनेसिस कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज के होने से लेके और उसके अंदर, यानी कि क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर आए, किस टिश्यू में क्या चेंजेस आए, कहां पर कैसे चेंजेस हुए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो
तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहला क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनोवियल सैक, जो साइनोवियल सैक है यानी कि जो साइनोवियल सैक आप देख रहे हो, इस साइनोवियल सैक में सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट होता है। होता क्या है कि इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो है इसमें आना शुरू कर देते हैं। ये देखिए अब इन्फ्लामेशन जो है यहाँ पे आना शुरू हो गया है, ये तो क्या हुआ, इंटेंस इन्फ्लामेटरी चेंजेस हुआ, बहुत सारा के यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस जो है और रिलीज होना शुरू हो गया, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस कीमोटेक सब्सटेंस जो है आना शुरू हो गया। जैसे ही चेंज होता है और फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज, जैसे इन्फ्लामेटरी चेंजेस हुआ, अब लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज, यहाँ पर जो है लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज बेसिकली क्या हुआ, आना शुरू हो गया। अब ये जो लिम्फोसाइट है, ये जो मैक्रोफेज है, लिम्फोसाइट है, वो क्या करेगा, जब भी कोई इम्यून सेल्स किसी भी बॉडी एरिया में कलेक्ट होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, तो क्या करेंगे, वहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिलीज करेगा। ये क्या रिलीज करेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेगा, यहां पे रिलीज करेगा, इम्यून सब्सटेंस को रिलीज करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक्युमुलेट होना शुरू करेगा, यानी कि इम्यून सब्सटेंस क्या होगा, एक्युमुलेट होना शुरू कर देता है। अब आगे देखिए, जैसे ही वहां पर इम्यून सब्सटेंस एंटीबॉडी का एक्युमुलेशन शुरू हुआ, तो क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट आईजीजी, आईजीजी क्या है, एक टाइप का एंटीबॉडी की वैरायटी है, आईजीएम वो भी एंटीबॉडी की वैरायटी है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये तरह के एंटीबॉडी क्या है, वहां पर कलेक्ट होने लगे थे, कहां पे, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसमें। अब साइनोवियल फ्लूइड जो है उसके साथ कंबाइन कर लेगा एंटीबॉडी के साथ, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर साइनोवियल फ्लूइड थे, अब इस फ्लूइड में क्या होगा, एंटीबॉडी एक्युमुलेट होने लगा, अब इसके साथ क्या होगा, बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, साइनोवियल फ्लूइड बाइंड करने के बाद डिक्रीज लेवल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। अब जैसे मान लो कि पानी है और उसमें चीनी तुम डालते जा रहे हो, चीनी डालते जा रहे हो, तो क्या होगा, पानी और चीनी की मात्रा में क्या होगा, तो पानी का लेवल कम होता है, क्योंकि दोनों एक साथ ज्वाइंट और बाइंड कर रहा है, ठीक है, पानी जो है मोटा होना शुरू हो जाएगा, थिन था आपको थिक होता चला जाएगा, ठीक है, उसके लेवल घटते चला जाएगा, ठीक। उसी तरह से चूंकि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन है, क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है बेसिकली। अब क्या होगा, जैसे ही यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड जो है मोटा होना शुरू करेगा, इन कोर्स ऑफ टाइम साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोलिफरेट एंड ओवर आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, और अब क्योंकि वहां पर बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोलिफरेट करना शुरू करेगा, क्या करेगा, प्रोलिफरेट करना शुरू करेगा। अब जैसे ही साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है प्रोलिफरेट करना शुरू करता है, ठीक वैसे ही आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय एंड एडिशंस बोन बिकम ऑर्थोपोएटिक। अब चूंकि बन भी रहा, इन्फ्लामेशन की वजह से डैमेज भी हो रहा है, और ऐसे प्रोसेस चलते चलते क्या होगा, वहां पर ऑस्टियोपोरोटिक होगा, वहां क्या होगा, ऑस्टियोपोरोटिक होना शुरू हो जाता है। अब तो ये था हमारा क्या था, उसका पैथोजेनेसिस था, और जिसकी वजह से वहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो रहा था, और डिजीज की वजह से वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है सिम्टम जो है आना शुरू होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि और रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड ज्वाइंट पर अटैक करता है, लेकिन उसके अलावा कहां कहां ये अटैक करता है उसकी बात हम लोग करते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी की हम लोग बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। तो देखिए एक्स्ट्रा में कहां अटैक करता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू पर, सबक्यूटेनियस टिश्यू पर यानी कि स्किन और मसल्स के बीच के जो टिश्यू होते हैं उस पर जो है बेसिकली अटैक करता है, और वहां पर क्या करता है, नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, वहां पर क्या करता है, नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देता है। अब देख सकते हो ये सारे नोड्यूल्स जो है बनाना शुरू कर देता है। दूसरा कहता है कि लंग्स पे अटैक करता है, प्लूरा पे अटैक करता है, और पेरिकार्डियम पे अटैक करता है, वहां पर भी अलग अलग तरह के डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा कहता है कि वो लैरिंग्स पर अटैक करता है, लैरिंग्स यानी कि जिसको वॉइस बॉक्स कहते हो। अगला कहता है मायोकार्डियम, हार्ट की जो मायोकार्डियम है, इंडोकार्डियम है, ठीक है, वहां पर अटैक करता है। और अगला कहता है स्प्लीन पर, स्प्लीन पर जो है वो अटैक करता है, और वहां पर भी डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी जो है किसकी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
अब देखिए कि इसका क्लिनिकल फीचर क्या क्या होगा, कैसे आप पहचानोगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पहचानने के लिए सबसे पहला करता है कि ऑनसेट, इसका ऑनसेट कैसा होगा। ऑनसेट जो है एक्यूट होगा और क्रोनिक भी होगा, दोनों होते हैं। एक्यूट बहुत कम टाइम आपने को देखने को मिलता है और क्रोनिक जो है ज्यादा टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि इसका सिम्टम जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सिम्टम जो है बढ़ता है। और एक्यूट में क्या होता है, ये तो क्रोनिक की बात है, क्रोनिक में सिम्टम धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली जो है सिम्टम इंक्रीज होता है। एक्यूट में सिम्टम सीधे हाई हो जाता है, हाई इंटेंसिटी के साथ सिम्टम आता है, ठीक। तो एक्यूट बहुत कम टाइम देखने को मिलता है, मैक्सिमम टाइम जो है ये क्रोनिक देखने को मिलता है, यानी कि ये डिजीज धीरे धीरे आता है। पेशेंट कहेगा कि पहले थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट में पेन आया, हल्का हल्का दर्द हुआ, फिर कुछ दिनों बाद फिर से थोड़ा दर्द बढ़ा, फिर कुछ दिन बाद दर्द बढ़ा, फिर एक ज्वाइंट, फिर दूसरे ज्वाइंट, फिर तीसरे ज्वाइंट में दर्द होना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, ऐसा पेशेंट कंप्लेन देता है। कॉमन इन एडल्ट एंड ओल्ड एज, एडल्ट में और ओल्ड एज में ये डिजीज जो है ज्यादा देखने को मिलता है। अब इस डिजीज में क्या होगा कि ग्रेजुअली स्वेलिंग, ग्रेजुअल स्वेलिंग इन स्मॉल ज्वाइंट ऑफ फिंगर एंड टोज, जितने भी उंगली हैं, जितने भी उंगली हैं उसमें क्या होगा, ये बेसिकली कि आपको देखने को मिलेगा स्मॉल ज्वाइंट में, ठीक है, स्मॉल ज्वाइंट में जो है आपको देखने को मिलेगा वहां पर कि सूजन जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कैसा है कि आपके टोज यानी कि पैर की उंगली और हाथ की उंगली में जो है ये देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि और कहां कहां पर ये अटैक करता है। तो धीरे धीरे स्मॉल ज्वाइंट ऑफ फिंगर एंड टोज के बाद धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेस होगा और बड़े ज्वाइंट पर अटैक करेगा। तो शुरुआत तो यहां से हुआ, अब डिजीज जब प्रोग्रेस कर रहा है तो फिर कहां पर जाएगा, ये आपके नी ज्वाइंट पर, यानी कि कहने का मतलब कि बिगर ज्वाइंट पर ये अटैक करेगा, चाहे वो रिस्ट ज्वाइंट हो, रिस्ट ज्वाइंट या फिर आपके शोल्डर हिप ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, यानी कि बड़े ज्वाइंट पर तब अटैक करता है, स्मॉल टू लार्ज जाता है, स्मॉल टू लार्ज अटैक करता है, राइट। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि और क्या होता है इसका सिम्टम। तो कहता है इंटरफेलेंजर ज्वाइंट कॉमनली फर्स्ट है, जितने भी उंगली के बीच बीच के जो ज्वाइंट है ना, फेलेंजेस के बीच बीच में ज्वाइंट है, इन सब पर जो है शुरुआती में ये अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। मॉर्निंग स्टिफनेस ग्रेजुअली बिकम प्रोमिनेंट, सो के उठेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो है उसका जो है स्टिफनेस जो है बढ़ते चला जाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल ज्वाइंट बाइलेटरल बट रेयरली मोनो आर्टिकुलर, कई बार स्मॉल, देखिए अब यहां पर देखिए ज्वाइंट में कैसे अटैक कर रहा है, एक शोल्डर ज्वाइंट, दूसरा शोल्डर ज्वाइंट, एक जो है ज्वाइंट पर अटैक किया, यहां दूसरा ज्वाइंट, ठीक है, यहां रिस्ट ज्वाइंट पर अटैक किया, रिस्ट ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, यानी कि कहने का मतलब कि ये सारे ज्वाइंट पर, क्योंकि ये क्या था, सिमेट्रिकल पोली अर्थराइटिस डेवलप कर रहा था, ठीक है, और कई बार ये सिंगल ज्वाइंट पर भी अटैक करता है, इसीलिए मैंने लिखा है रेयरली मोनो आर्टिकुलर, यानी कई बार सिंगल ज्वाइंट पर भी अटैक करता है। जनरल सिम्टम्स वही वीकनेस, फैटिग्यू, मैलस, लॉस ऑफ वेट, ये सब जो है कॉमन जो अदर डिजीज में भी सिम्टम आते हैं, जनरल सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेन रहने की वजह से एपेटाइट लॉस हो जाता है, टंग कोटेड हो जाएगा पेन में, फीवर में, तो उसके वजह से ऐसा भूख नहीं लगना, ये सब चीजें जो है उसमें आना शुरू हो जाती है। अब कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इस डिजीज के लिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, अगर ऐसा आपको कंप्लेन सिम्टम देखने को मिला तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि करेंगे। तो फाइंडिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहला हम लोग को आरएफ फैक्टर के बारे में जानना होगा, यानी कि रूमेटॉइड फैक्टर का जो है हमको टेस्ट कराना होगा, रूमेटॉइड फैक्टर, दूसरा टीएलसी, तीसरा डीएलसी टोटल लिपोसाइट काउंट और डिफरेंशियल लिपोसाइट काउंट। अगला कहता है ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि जो हम लोग आरबीसी को कितने घंटे में जो है कि वो सेटल डाउन होता है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। और अगला कहता है साइनोवियल फ्लूइड एग्जाम, जो ये ज्वाइंट है
ये ज्वाइंट में क्या था, साइनोवियल फ्लूइड था। अब इस साइनोवियल फ्लूइड को निकाल कर हम लोग एग्जामिन करेंगे और अलग अलग साइनोवियल फ्लूइड के कलर के ऊपर भी जो है हम लोग फाइंडिंग कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें हमको क्या मिलेगा, एंटीबॉडी का प्रेजेंस मिलेगा इस फ्लूइड में, ये हम लोग देख पाते हैं। अगला कहता है एक्सरे ऑफ बोथ ज्वाइंट। अब दोनों ज्वाइंट का हम लोग जांच कर, क्योंकि ये अटैक कैसे कर रहा था, ये अटैक कर रहा है बोथ ज्वाइंट पर, यानी कि सिमेट्रिकल अटैक कर रहा था, इसलिए हम लोग एक्सरे कराएंगे बोथ ज्वाइंट का। अगला कहता है प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट कराएंगे हम लोग। और अगला प्लाज्मा अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो है बेसिकली देखते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है बेसिकली क्या है, वो आपका एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है बेसिकली हम लोग को पढ़ा हुआ मिलता है प्लाज्मा में, तो अल्बुमिन और ग्लोबुलिन के रेशियो में जो हमको वो चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये था हम लोग का, हम लोग डीडी की बात कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या रूमेटिक आर्थराइटिस से इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैसे डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं उसके बारे में ये बात कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या होता है, इनिशियली अटैक विद द बिग ज्वाइंट, कहां पर अटैक करता है ये बिग ज्वाइंट, और उसके बाद एक ज्वाइंट के बाद दूसरे बड़े ज्वाइंट पर अटैक करता हुआ चला जाता है। उसके बाद कहता है कि इसमें रूमेटिक आर्थराइटिस ने एंट्री स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर जो है बढ़ा हुआ आपको ब्लड में मिलेगा, एंट्री स्ट्रेप्टोलाइसिन का जो है वो बढ़ा हुआ आपको मिलता है रूमेटिक आर्थराइटिस के केस। दूसरा कहता है ट्यूबरक्लोसिस आर्थराइटिस, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस आर्थराइटिस कहने का मतलब कि ऐसा कंडीशन जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हो ज्वाइंट में, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है नाइट स्वेटिंग पेशेंट में, कुछ फीवर के सिम्टम, वेस्टिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बॉडी वेट घटना, ये सब चीजें आपको वहां पर जो है देखने को मिलेगा, आप नाइट स्वेट बेसिकली फीवर इस सब से आप पता लगा। तीसरा जो आता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है मेनली जो है वो वेट बियरिंग ज्वाइंट पर अटैक करता है, इसमें वेट बियरिंग ज्वाइंट पर ये जो है अटैक करता है, वेट बियरिंग ज्वाइंट जो है इन्वॉल्व होता है इस केस में, इन्वॉल्व रहता है, जैसे हिप, नी, एंकल। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट जो है इसको कर पाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में। अगला है ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस में आपको जो है हिस्ट्री मिलेगा ट्रॉमा की, क्या मिलेंगे, ट्रॉमा के हिस्ट्री मिलेंगे। एंड गाउटी आर्थराइटिस में कहता है कि आपको बेसिकली क्या होगा, यूरिक एसिड का जो अमाउंट है ब्लड में वो बढ़ा हुआ आपको मिलता है गाउटी आर्थराइटिस के केसेस में। और दूसरा कहता है कि स्मॉल ज्वाइंट जो है मेनली स्मॉल ज्वाइंट इनिशियली जो है अफेक्ट होता है, ठीक है, समझे। अब हम लोग कहते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अगर मान लो कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज नहीं होता है, ट्रीटमेंट नहीं कराता, तो क्या क्या हो सकता है। तो कहता है कि सेप्टिक आर्थराइटिस डेवलप करने के चांसेस हो सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, तीसरा कहता है एमाइलाइडोसिस हो सकता है, और चौथा कहता है गाउटी आर्थराइटिस जो होने के चांसेस भी जो है बढ़ जाता है। ये पूरा हमारा क्या था, कंप्लीट हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो, क्यूरीज हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं,